नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अब वेतन विसंगतियों के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मध्य प्रदेश के कृषि विस्तार अधिकारी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा उनके ही पक्ष में एक फैसला लिया गया था और कहा गया था कि सभी विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के मुताबिक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन्हें इस तरह का वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार एवं प्रदेश सरकार से कई बार बात करने के बाद भी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है, इसीलिए आज से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। काम करेंगे पूरे दाम। हम सब एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के अनुसार प्रदेश के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयरों के समान वेतनमान देने के निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में शासन द्वारा बार बार चर्चा की गई। विगत वर्ष भी आंदोलन किया गया था, जिसमें 19 अप्रैल को प्रदेश के प्रदेश मंत्री श्री रामपाल सिंह जी, कृषि मंत्री और विभिन्न विभागों के सचिव, वित्त विभाग जैसे सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग के सचिव के साथ बैठ के समन्वय में ऐसी सहमति बनी थी, समझौता हुआ था कि कर्मचारियों को 90 दिन में वेतनमान दे दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक वह वेतनमान नहीं दिया गया। इस संबंध में संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बार परस्पर भेंट की गई और उन्होंने 16 अप्रैल को साजापुर में मंच पे भी जो है इसकी घोषणा की गई थी। एक माह पश्चात भी जो है इसके आदेश आज तक पारित नहीं हुए। मजदूर संगठन को जो है पुनः हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा और 28 मई से संघ अनिश्चितकालीन पर फिर से जो है पूरे प्रदेश में एक साथ चला गया है। इससे अनेक विभाग की समस्त योजना लगभग प्रभावित हो रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड योजना महत्वपूर्ण है, बांध की योजना महत्वपूर्ण है, खरीफ के लिए किसानों का जो है प्रारंभिक चयन होना था वो रुक गया है, मिट्टी नमूने रुक गए हैं, ऐसी अनेक बहुत सारी जनहित की योजनाएं प्रभावित हो रही है। चौबीस मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ। अपने विभिन्न मांगों के चलते अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है, या यूं कहें कि आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। आज इसी धरने के पांचवें दिन उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का आयोजन किया। यहां गौर करने लायक बात यह थी कि सुंदरकांड को शुरू करने के लिए गुना के विधायक पन्नालाल शाह के मौके पर मौजूद रहे। विधायक पन्नालाल शाह ने इन सभी वनकर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे जायज हैं और जल्द ही सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, वहीं जल्द से जल्द उनकी सारी मांगों को मान भी लिया जाएगा। यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि एक और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं प्रदेश में भी भाजपा शासित है। इसके साथ ही गुना विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो क्या पार्टी के विधायक की बात पार्टी के आला अधिकारी नहीं मानेंगे? अगर मानने वाले होते तो अभी तक विधायक महोदय किसका इंतजार कर रहे थे? क्या वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें वन कर्मचारी संघ यहाँ बुलाए, उसके बाद ही उनकी मांगों को मनवाया जाएगा? बाकी हम तो एक बात कहेंगे कि रेंज का फंदा कहाँ चला गया? क्या वो फंदा हमने ही काट दिया क्या? लोग डरते थे रेंज के फंदे से, तो हम सुरक्षा जंगलों की कितनी कर पाए नहीं कर पाए ये आपको सोचना है। आपको बंदूक खोज के लिए मिलेगी, पर मुझे ये तो बता दो कि अपन जंगल की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं तो अपने ही सामने कई क्षेत्रों मुझे हर इन 4.5 वर्षों में बहुत कुछ सुनने को मिला है, और मेरा आपसे निवेदन है पेड़ लगाने की परंपरा हम चालू करें। ये कोई आवश्यक नहीं है कि साहब कोई ऊपर से फरमान आएगा, तो अपन खुद विचार करें। मेरे तो विभाग बहुत लगवा रहा है, चुप रहो जा, ये हम विचार करें, जरूर करें,
जैसा बच्चे की चिंता करते हैं ना हम लोग, हमारा बच्चा कहाँ कहाँ भेजेंगे, कौन से स्कूल में भेजें, कौन से, और उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहिए, अच्छा टॉपर आना चाहिए, सही है, सही अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, सही है, सही तो कितनी चिंता कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा टॉपर आना चाहिए, पर उसको शुद्ध फल मिले, शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले, इसकी हमने कोई विचार नहीं किया, ये करना बहुत जरूरी है। सरकार सब कुछ देगी पर पानी नहीं दे पाएगी, पानी है ही नहीं, पानी बनता भी नहीं, पानी की कोई फैक्ट्री भी नहीं है, तो पानी हमको ही बचाना पड़ेगा, और ये हम सबका कर्तव्य होता है कि पानी हम बचाएं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, आपका जो ज्ञापन हो वो मुझे और दे देना, हम 25 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपनी बात रखेंगे, आपकी बात रखेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम प्रीतिं तुलसी गत रामायण कथा करहु अनुसार सुख सुंदर आसन सुभ गया बहु पवन कुमार अरे बनवाए नहीं, अभी 3 बजे के बाद बनवाते हैं, विधायक साहब आ रहे हैं, अभियान ही है 5 मिनट। प्रदेश में गुना जिले में आज 6वें चरण के आंदोलन में सद्बुद्धि सुंदरकांड किया जा रहा है। इस बीच हमारे माननीय विधायक श्री पन्ना लाल जी साथ के आए, उनने सुंदरकांड का शुभारम्भ किया, उनने आश्वासन दिया कि आपकी 19 सूत्रीय जायज मांगों को मध्य प्रदेश शासन के पटल पर पहुंचाया जाएगा और शीघ्र निराकरण किया जाएगा। आज की स्थिति में वन कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण वन अमले के न होने के कारण वन माफियों के हौसले बुलंद हैं। इसमें करोड़ों रुपयों की संपत्ति, जंगल कटाई, अवैध शिकार और अतिक्रमण छाया और जंगलों में आए दिन आग लग रही है, इससे अरबों रुपये की संपत्ति का विनाश हो रहा है। और आज हमारी कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उस कैबिनेट की बैठक से हमारा कोई मतलब नहीं, अगर हमारी जायज मांगे नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी रहेगा और हड़ताल तभी खत्म होगी तब हमारे आदेश हम कर्मचारियों को प्राप्त होंगे। कैंट रोड स्थित छात्रावास में हो गई चोरी। मजे की बात तो यह है कि चोरों को बाकी सामान दिखाई नहीं दिया, केवल छात्रावास में रखे संबंधित दस्तावेज ही चुरा कर ले गए हैं। इसमें एक और चौंकाने वाली पहलू यह है कि चोरों को पता था कि केवल 2011 से पहले के ही दस्तावेजों को चुराना है, बाकी के नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ रखे 2011 से अब तक के दस्तावेज सही सलामत हैं। वही चोरों को केवल यही छात्रावास के पुराने रिकॉर्ड से मतलब था, इसलिए चोर पुराना रिकॉर्ड ले गए, जबकि कार्यालय में और भी बहुत सारा कीमती सामान रखा था जिनके बदले में चोरों को पैसा मिल सकता था। पर समझ से परे है कि वो रिकॉर्ड थी क्यों लेके गए, जबकि रिकॉर्ड मात्र रद्दी का टुकड़ा है उन चोरों के लिए। वहीं हमारे सूत्र बताते हैं कि छात्रावास में कई तरह की अनियमितताएं थी जिनके चलते ये रिकॉर्ड गायब करवाया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि ना हम करते ना हमारे सूत्र कि ये रिकॉर्ड गायब करवाए गए हैं या चोरी हुए हैं। बता दें कि खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास है जहां पर पुरुषों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं रात के समय चोर इस छात्रावास में कैसे घुस गए, यह भी एक सोचने लायक पहलू है। इसके साथ ही सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर चोरों को कैसे पता कि रिकॉर्ड्स कहां रखे हैं और उन्हें कौन सा रिकॉर्ड ले जाना था। साथ ही सिर्फ 2011 से पहले के रिकॉर्ड ही चोरों को क्यों चाहिए थे, सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। आखिर क्या था उन रिकॉर्ड में जो उन्हीं रिकॉर्ड की चोरी हुई है, बाकी का छात्रावास के सामान को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। ये कोई पहला मामला नहीं है, गुना में इस तरह के कई मामले भी पहले हो चुके हैं। आर्म्स विभाग में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रहस्यमय तरीके से गाय खा जाती है, आखिर गाय वहां क्या करने जाती है। उसी के साथ एक अधिकारी की जब रिकॉर्ड निकाले गए तो उसमें आग लग जाती है, कई तरह के मामले गुना में देखे जा चुके हैं। वहीं इन पे क्या कार्रवाई हुई यह आज तक किसी को नहीं पता। अब ये क्या है,
27 तारीख को सुबह मैं ड्यूटी पे आया तो मेरा काम ये था कि सवेरे आया तो पानी वानी ली तो इधर उधर घूम तो मैं जैसे ही आया तो इधर बस्ता दिखाए मुझे। मैंने देखा जी बस्ता कैसे पड़े हैं, देखा तो इधर बेड टूटा पड़ा था। फिर मैंने मैडम को बताया, मैडम आकर हमने बस्ता खूब देखा। कितने बस्ते जमे रखे थे? 13 बस्ता रखी थी उसमें बक्से में। तो नीचे के ले गए ऊपर के? ऊपर तो 13 जो 11-12 थे वो ऊपर की तो छोड़ गए और नीचे जो रखी थी वो ले गए। नीचे के ले गए? अच्छा। पुलिस को बुलाए, पुलिस को बुला के पुलिस को देखा था, माना किया तो उनसे पुलिस वाले इंस्पेक्शन जब क्या किया तो उन्होंने कह रहे कि सामान हटा लो, इसको खाली कर लो, गेट वगैरह लगवा लो। जी मैडम, आपका नाम? प्रीति शर्मा। हाँ बताएं, आप कहाँ पे हैं, कौन से छात्रावास में? विकासखंड हॉस्टल में हूँ मैं, अधीक्षिका। कैंट रोड पे? कैंट रोड। बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है मैडम ये आपके? ये सुबह 9 बजे के करीब कल्याण भैया ने बताया कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स डले हुए हैं पीछे, तो फिर आकर देखा तो दरवाज़ा टूटा हुआ था और यहाँ से कुछ सामान बिखरा हुआ था, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स चले गए हम लोगों के। मैडम करीबन कितने डॉक्यूमेंट्स थे उसमें? वो 10-11 बस्ते के करीब थे। कितने बस्ते चले गए? 10-11। 10 गए, मतलब 13 थे? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत रखे थे उसमें, कुछ कार्यालय का भी था तो कार्यालय का पूरा रखा हुआ था, केवल इस छात्रावास का जो रिकॉर्ड था वो चला। रात की करीबन कितने बजे घटना मान रहे हैं? ये तो नहीं कह सकते। किस तारीख की बात है मैम ये? 26-27 की रात की बात है। आपने केन थाने में खबर कर दी? हाँ जी, सुबह कर दी थी 9 बजे का। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान SUCI ने आज किया प्रदर्शन। SUCI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वे चीख चीख कर पेट्रोल और डीजल के दामों को गिराने की बात करती थी, वहीं जब से सत्ता में आई है तब से पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है क्योंकि अब सफर महंगा हो चला है। वहीं किराए में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उसका दाम तय करने के लिए उसे भूखे प्यासे बैठना पड़ रहा है, उसकी तुलाई नहीं हो रही है। जो किसान अपनी मेहनत से पसीने से फसल उगाता है उसका दाम वो तय नहीं कर सकता। जिस दिन फसल आएगी दाम जमीन पर आ जाएंगे, जिस दिन फसल गोदाम में भरी हो जाएगी दाम आसमान में चले जाएंगे। आप प्याज का दाम देख लीजिए, आप टमाटर का दाम देख लीजिए, पिछले सालों के दर याद कर लीजिए। वो प्याज जो एक एक दो दो रुपए में किसी ने नहीं पूछी, बाद में वही प्याज 60 और 70 रुपए किलो में मिली। वो टमाटर जो 1 रुपए किलो में किसी ने नहीं पूछा, वही टमाटर 80 और 100 रुपए किलो बिका। ये हालत हमारे देश में हो रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी पेट्रोल का दाम 85 रुपए के लगभग पहुँच गया है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल का दाम कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ने से केवल जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हीं को फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि महंगाई बढ़ जाती है दूध के क्षेत्र में, महंगाई बढ़ जाती है अनाज के क्षेत्र में, बसों का किराया बढ़ जाता है। जो यात्री गुना से आरोन 40 रुपए में जाता था, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि होने से वो किराया 50 रुपए आरोन तक पहुंचने का लगेगा, यानी ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश की सरकार जो अपने को राष्ट्र सरकार कहती है, जब ये विरोध में थी तो ये लोग सड़कों पे बैलगाड़ी पे अपनी गाड़ी लेकर निकलते थे, विरोध करते थे कि देखिए कांग्रेस की सरकार कैसे दाम बढ़ा रही है। हम लोग उस वक्त भी विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस गलत कर रही है, हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति पे ही चलते हुए आज भाजपा पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। लेकिन दुख तब होता है कि ये सरकार जब विपक्ष में होती है तब विरोध करती है और सत्ता में आने के बाद पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इस देश में अगर महंगाई को कम करना है तो पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसे रोका जाए। इसी मांग को उठाते हुए आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फ्री में मिलने वाली चीजों को भी लिया जा रहा है पैसा।
बता दें कि मधुसूदनगढ़ में शाहपुरा गांव में गंदा पानी पीने से तकरीबन 200 से 250 लोग बीमार पड़ गए थे, जिसका इलाज एक झोला छाप डॉक्टर ने किया था। इस घटना के बारे में जिला अधिकारियों को मीडिया ने अवगत कराया था। इसके बाद भी हैरानी की बात तो यह है कि घटना के इतने दिनों बाद भी गाँव में ही वह डॉक्टर रहकर अपना कारोबार चला रहा है। वहीं उसकी धर्मपत्नी भी उसके साथ काम कर रही है। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों पति पत्नी निःशुल्क मिलने वाले ORS के पैकेटों को भी गांव के लोगों को 20-20 रुपए में बेच रहे हैं, फिर भी इन पर प्रशासन की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आज भी गांव में ये झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान धड़ल्ले से चला रहा है। वहीं जब इसकी दुकान का जायजा लेने पहुंचे तब वहां पर कई सारी बोतल्स, इंजेक्शन और दवाइयां भी मिली। बता दें कि झोला छाप डॉक्टर मांगीलाल लोधी की पत्नी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिसे निःशुल्क में मिलने वाले ORS के पैकेट गांव के लोगों को 20-20 रुपए में बेच रही है। हद तो तब हो गई जब मीडिया ने गुना जिले के अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टर की करतूतों के बारे में अवगत कराया। उसके बाद भी जिले में बैठे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हमारी टीम शाहपुरा गांव पहुंची तो वहां इस डॉक्टर की दुकान देखने पहुंचे, जहां पर मरीज खटिया पर लेटे हुए थे, अपना इलाज करा रहे थे, साथ ही कईयों को बोतलें भी लगी हुई थी। इस मामले में जब हमारे संवाददाता टोनी शाह ने मांगीलाल से बात करना चाही तो मांगीलाल ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मामला चाहे जो भी हो, पर मांगीलाल शाहपुरा गांव में आज भी अपने मरीजों को अंग्रेजी दवाइयों के साथ इंजेक्शन भी लगा रहा है। कल होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? ये पैकेट आपको, ये ORS का घोल आपको किसने दिया? मांगीलाल डॉक्टर। कितने में दिया? 20 रुपए में। तो ये तो सरकारी है ना? अब ये हमें मालूम नहीं। अच्छा, तो उसकी क्या पत्नी आंगनवाड़ी वगैरह में है क्या? जी। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी भाई। तो ये ORS का घोल आपको कितने में दिया उन्होंने? 20 रुपए में। 20 रुपए में सारे गाँव वालों को 20-20 रुपए में दिया? तो ये जो बच्चा है आपके पास, इसकी तबीयत कैसे खराब हुई? पानी पीने से। तो क्या कुछ इलाज वगैरह हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ORS का यहाँ पे घोल मिलता है, जो फ्री निःशुल्क वो आपको मिलता है कि नहीं? 20-20 रुपए में एक पैकेट मिलता है। कौन बेचता है? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? मांगीलाल डॉक्टर। अच्छा, तो उसकी क्या पत्नी है क्या आंगनवाड़ी में? हाँ। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी भाई, तो सारे गाँव वालों को वो बेचता है? कितने रुपए में बेचता है? 20-20 रुपए। कौन सा पैकेट होता है वो? ORS। अच्छा, मैं बताऊं नहीं, ये तो थोड़ी होता है कि तुम आरोपी यही बैठे हो, कारण से ये इसकी वजह से इलाज में लोगों को दिक्कत आई, इलाज नहीं कर पाया। ये कुछ मांगीलाल जी आप ही हो? अच्छा, तो ये इनके डॉक्टर के घर ही बैठे हो? मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मंगलवार का दिन यानी कि जनसुनवाई का दिन। आज जनसुनवाई में यहीं कई लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहुंचे। ऐसा ही एक मामला गजनाई से आया, जहां से आई महिला ने बताया कि उसकी शादी तकरीबन 8 साल पहले हुई थी और उसका पति उसे घर नहीं लेके जा रहा है। महिला अपने मायके में ही रह रही है। वहीं इस महिला के 3 बच्चियां भी हैं। इन तीनों की डिलीवरी महिला के मायके में ही हुई थी। महिला के अनुसार जब से तीसरी बेटी हुई है तब से उसके पति ने उससे बात तक करना छोड़ दी है और ना ही उसे घर ले जाने की बात करता है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष भी उसे प्रताड़ित करता रहता है। साथ ही उसने कलेक्टर से यह भी आग्रह किया कि शादी में हुआ जो खर्चा था और शादी में दिया गया जो पैसा था उसे वापस दिलाया जाए, जिससे उसका जीवन यापन किया जा सके, क्योंकि 3 बच्चियों को संभालना अकेली महिला के बस का नहीं। मायके में आपका पति क्यों नहीं ले जा रहा है? पति नहीं ले जा रहा, घर से दबा देता है मेरे, जेड़ कटानी तो खाए पी भी नहीं रख। 3 बच्चे मेरे मायके में ही बैठे, तीनों बच्चे की डिलीवरी आप मायके में हुई? मायके में भाई, तीन बच्चे। अभी आप उनसे संपर्क करती हो? नहीं रख, कौन से बातचीत होती है? नहीं कर रहा बात, बात तो नहीं कर रहा। तो वो कौन से गाँव के हैं? नाना फेरे। नाना जोड़ी के क्या नाम है? आज इसी कड़ी में एक संस्था संचालक के खिलाफ भी शिकायत पहुंची। शिकायतकर्ता अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि 2014-15 में संजय रघुवंशी, जो कि SBA पब्लिक स्कूल चलाता है, उन्होंने DL.ED कराने के झांसा देकर
छात्र से पैसा लिया। छात्र का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने फीस जमा की तब उसे बताया गया कि डीएलएड किसी अन्य यूनिवर्सिटी से कराया जाएगा, जबकि पेपर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से दिलाए गए। इसके बाद भी 3 साल बाद ना तो छात्र की मार्कशीट आई और ना ही वो बात करने को तैयार है। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि संजय रघुवंशी इस तरह से कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से जिला प्रशासन इस पर नकेल कस पाता है। सागर यूनिवर्सिटी से हम संजय रघुवंशी जी ने डीएलएड कराने का बोला था सागर यूनिवर्सिटी का, वो भी 14-15 में। फिर उन्होंने हमसे बोला कि अपन कराएंगे आपको महारिषि से, महारिषि में इन्होंने हमारी एडमिशन नहीं दिला पाए और हमारा करा दिया सागर कर्नाटक यूनिवर्सिटी से, और जिसमें भी एग्ज़ाम लेट कराए गए। लेट कराने के बावजूद एग्ज़ाम देने का बोला था यहाँ पे अपने डाइट में, गुना डाइट में, वहाँ पे ना कराते हुए हमारे लिए कराए गए अपने क्या बोलते हैं साढ़ोरा, वहाँ पे भी हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम में अपना पेपर आया। जैसे तैसे हमने उसको सॉल्व करा जो भी था वैसे, और हमने अब कार्रवाई करने का बोला तो बोलते हैं कि आप कार्रवाई करोगे तो आपके पैसे लगेंगे कंप्लेंट वगैरह करती हो तो। और 3 साल तक मेरी कोई मार्कशीट नहीं आई और ना ही वो शो हुआ अपना, मतलब रिजल्ट शो हुआ मेरा। 3 साल तक नहीं आने के बाद मैंने अपनी बोर्ड से फॉर्म डाला, उसमें मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं अभी ग्वालियर रहते हुए डीएड कर रहा हूँ और उसमें मेरा अभी तक 1.5 लाख रुपए करीब खर्चा आ चुका है, जिसके लिए मैंने अपने मेरे पापा ही ने लोन लिया जी फीस भरने के लिए। करीबन कितने लोगों के साथ हुआ है जी? शायद 1 से 1.5 हज़ार लोगों ने इसमें किया है, पर कोई इसमें आवाज़ नहीं उठा रहा है, पर हम दोनों ने आवाज़ उठाई है। जनसुनवाई में मधुसूदनगढ़ के सालोट से आई महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की। महिला का आरोप है कि उसकी पुत्री जो कि नाबालिग है, उस शादीशुदा व्यक्ति बेला फुसला के उसका अपहरण करके ले गया है। वहीं इस महिला का यह भी आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। सुबह की टाइम जी पत्ता तोड़ने के लिए निकल गए थे दोनों, हम कोई घर पे नहीं थे। कौन कौन? जो इसका नारायण सिंह और उसके घर से दोनों। अच्छा अच्छा। जो मम्मी पापा। हाँ। फिर उसके बाद वो 11 बजे के टाइम था, तो जे तो सब पत्ता तोड़ने के लिए निकल गए। इसके बाद में उस लड़की का मालूम नहीं, वो दोनों, वो चिंटू लाल और वो प्रकाश, दोनों उस लड़की को उठा कर ले गए, अपहरण किया। अपहरण करा? हाँ। कौन समाज के हैं वो? वो मोगिया समाज का। और शिकारी? हाँ शिकारी। और आप? हम बसोड़ हैं। तो लड़की को ले गए हैं? हाँ। इसकी सूचना कैसे लगी आपको कि लड़की को वो ले गए? ये ले गए जब हम आए घर पे, तो हमने मालूम किया तो उनको, वे दोनों घर पे नहीं थे, पूरे गांव में हमने तलाश किया। इसके बाद में 2-3 रोज बाद वो सब लोग घर से भाग गए। अच्छा। हाँ पूरे लोग। तो इसकी शिकायत करी है आपने? हाँ, जामनगर थाने में शिकायत की है। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं है, हम परेशान हैं, हम लोग, हमारे पास पैसा देना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? हाँ, अभी जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास। तरुण जैन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ओम प्रकाश पहुंचा जनसुनवाई। ओम प्रकाश ने जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक को बताया कि तरुण जैन लगातार उस पर दबाव बना रहा है कि अपनी शिकायत वापस ले। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश होने के बाद भी पुलिस अधिकारी तरुण जैन को नहीं पकड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से इस आशय में शिकायत करने पहुंचा ओम प्रकाश जाटव। देखने लायक होगा कि अब कब तक होगी तरुण जैन की गिरफ्तारी, या पुलिस निभाती रहेगी अपनी मित्रता। सर मेरे इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको आवेदन देने के लिए आया हूँ सर के पास। किसकी गिरफ्तारी? तरुण जैन। क्या मामला था ये? मेरा गोली का है मामला सर, इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें 3 साल से 3.5 साल से मेरा न्यायालय में केस भी चल रहा है। 1.5 महीना पहले मेरा गिरफ्तारी का उसका कोर्ट से वारंट भी निकल चुका है, मगर इसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर रही है? ये सर मुझे पता नहीं है क्यों नहीं गिरफ्तारी कर पा रही है, शायद उसमें उसका पावर है क्या है, अभी ये
दबंगों के डर से ग्रामीणों ने छोड़ा गांव। 3 साल पहले हुए एक विवाद के चलते राजीनामा करने के लिए दबंग बना रहे हैं दबाव। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे रखी है। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा भी कर लिया है, इसलिए वे डर के कारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इससे पहले उन्होंने राधोगढ़ SDOP से शिकायत की। जब उन्होंने शिकायत सुनी उसके बाद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आकर रहने लगता हूं। इसी आशय में जब ग्रामीणों ने आरोन थाना प्रभारी से शिकायत की तो थाना प्रभारी ने कहा कि तुम मेरे घर आके रह लो। कोई सटीक उत्तर न मिलने के चलते ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही दबंगों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें भयमुक्त किया जाएगा। सर जी, अवेश रघुवंशी और सचिव अमित रघुवंशी, मेरे चाचा नीलम सिंह मानसिक विकलांग है, उसके नाम की ज़मीन पर फोटो प्रधानमंत्री आवास का अवेश की बहू की फोटो खींचा गया था। उस बात पर विवाद हुआ था 15 तारीख को। कौन सी 15? 15/3/2018 में विवाद हुआ था। हमने इसकी सूचना 17/3/18 में आरोन थाने और चौकी पनवाड़ी को दी गई थी। आवेदन पर जांच होकर हमें FIR दी गई थी हरिजन एक्ट की कायमी करके। इसके बाद में हमने SDOP राधोगढ़ आरोन थाने में चौकी पनवाड़ी में 3 बार 4 बार SP साहब के यहाँ सभी जगह आवेदन भी दे दिए और वो लोग हमारे घर पर राजीनामा के लिए जान से मारने के लिए और खेती नहीं करने दे रहे, गाँव से भगाने के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि कल 28/5/18 में रात के अवेश रघुवंशी आया, सुबह अमित रघुवंशी 3-4 मोटरसाइकिल लेकर हमारे घर पे आया। इसलिए हम डर के मारे पूरे भागकर वहाँ से गांव से दुख के भागे आए। हमारे घर पे एक छोटा 10 साल का बच्चे को छोड़ के आए। हमारे ढोर भैंस मतलब कुछ भी सामान है वो खाली पड़ा हुआ है। उनके डर के मारे भागकर हम SP साहब के यहाँ पास आए। बच्चे को क्यों छोड़े आए? एक बच्चे को छोड़े आए मतलब देख मतलब वहाँ पे घर पे। तो आप कहाँ SP ऑफिस आए? SP ऑफिस गुना में आए। SP साहब से बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? SP साहब ने बोल दिया है, SP साहब से मिले थे अभी तो उन्होंने बोल दिया है उसको पकड़वा लेंगे। और SDOP साहब से राधोगढ़ बात भई थी, वो जो बोलने लगे कि मैं घर पे आकर रहने लगूंगा। और थाना आरोन में थाना प्रभारी से बात हुई थी, वो जो बोल लगे मेरे घर पे आकर आ जाओ कहीं घर पे रहने लगना कहीं। फिर हम SP साहब से मिले, SP साहब ने बोल दिया है कि पकड़ा लेंगे उसको कहीं। तो आप मतलब पूरा अपनी ज़मीन जायदाद घर सब छोड़ के आ गए? छोड़कर पूरा परिवार यहीं पे साथ में है, कोई भी घर पे नहीं है सर। तो अब जाओगे आप लोग अभी शाम? अब जाएंगे, SP साहब ने बोल दिया है कि तुम जाओ कहीं मैं पकड़ा लूँगा उसको। डीजाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।